फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, वीडियो नंबर 2 है, 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, राजस्थान जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम 25। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। ठीक है, इससे पहले जो लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है और पहले से भी कुछ एग्जाम्स मेरे चैनल पर तैयारी करके दे चुके हैं, उन लोगों को पता होगा कि जो क्वेश्चन मैं डालता हूँ वो क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं और उनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। जैसे कि पिछले एच टेट 2017 दिसंबर में जो हुआ था उसमें जनरल अवेयरनेस के जितने क्वेश्चन आए थे सब सिलेक्टेड क्वेश्चन, और 99% जो क्वेश्चन रहे वो मेरी वीडियोज़ से रिलेटेड रहे या कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, इसी तरीके से मैंने ये सीरीज़ शुरू की है जिसमें कि हम राजस्थान जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 2 की। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो ये जो है 20%, 20% टोटल व्यर्थ, जो भूमि किसी काम नहीं आती, व्यर्थ भूमि का, भारत की जो टोटल व्यर्थ भूमि है उसका अकेला 20% जो है राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो ये जो है कांडला बंदरगाह है गुजरात में, जो कि राजस्थान के सबसे निकट स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। राज्य के उन जिलों की संख्या जिनकी सीमा न तो किसी राज्य से मिलती है और न ही किसी अन्य देश से, कितने ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जिनकी सीमा जो है ना तो किसी दूसरे राज्य से टच करती है और ना ही किसी दूसरे देश से टच करती है, ऐसे कितने ज़िले हैं राजस्थान के? तो ये जो हैं 8 ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के, टोटल 33 ज़िले हैं, उनमें से 8 ऐसे ज़िले हैं जिनकी ना किसी राज्य से टच होती है सीमा और ना ही किसी दूसरे देश से टच होती है, जैसे कि पाकिस्तान, इनसे किसी से भी टच नहीं होती, 8 ऐसे ज़िले हैं। राज्य का वह जिला जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है, राजस्थान राज्य का वह जिला कौन सा है जिसे शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये जो है सिरोही ज़िला ऐसा है राजस्थान का जिसको कि शुष्क प्रदेश में सम्मिलित नहीं किया गया है। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है? निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है और 23% उत्तर अक्षांश रेखा, ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये रेखाएं जो हैं राजस्थान से होकर गुजरती हैं, ऑप्शन बी एंड सी दोनों दोनों जो हैं कर्क रेखा और उत्तरी अक्षांश रेखा जो है राजस्थान से होकर गुजरती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात एवं पाकिस्तान से लगती है, गुजरात के उस मतलब गुजरात से और पाकिस्तान से टच करने वाली राजस्थान के किस जिले की सीमा है, मतलब अकेला जिला है जिसकी सीमा दोनों से टच होती है, पाकिस्तान से भी टच होती है और गुजरात से भी टच होती है, तो उस जिले का नाम क्या है? तो वो जिला है बाड़मेर, वो जिला है बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा जो है गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? अरावली पर्वत की ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? तो ये जो है बाजरा की खेती होती है, अरावली पर्वत की ढलानों पर बाजरा की मुख्यतः खेती की जाती है। सीकर जिले में अरावली पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है हर्ष की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को हर्ष की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वो स्लाइड है जिसमें मैं आपको बताता रहता हूँ कि जो वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं आप इस स्लाइड का स्नैपशॉट लेके रख सकते हैं ताकि आपको जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो उसकी जो है आप तैयारी कर पाएँ। थार मरुस्थल में बालुका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है
जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, इन्हें क्या कहते हैं? थार मरुस्थल में बालुका स्तूपों के बीच में कहीं कहीं निम्न भूमि मिलती है जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झीलों का निर्माण होता है, इनको क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं रन, इनको कहते हैं रन कहते हैं, जहाँ पे निम्न भूमि है और बारिश का जल भर जाने से अस्थायी झीलें बन जाती है, उनको रन कहते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये जो है 10.41% है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल से 10.41% है। अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से हैं? तो ये जो है देसुरु की नाल एवं हाथी दर्रा जो है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे हैं, देसुरी की नाल व एवं हाथी दर्रा। राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है? राजस्थान के किस जिले की सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है? तो ये जो है पाली ऐसा जिला है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा जिलों से टच करती है, ये जो है 8 जिलों से इसकी सीमा टच होती है पाली की। राजस्थान के कौन कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल जो है उसकी पास की नदी के पेटे के स्तर से नीचे है? तो ये जो है हनुमानगढ़ कस्बे का साधारण धरातल जो है नदी के पेटे के स्तर से नीचे है। राजस्थान में फैले थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? राजस्थान में फैले थार मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये जो है 2,09,100 वर्ग किलोमीटर के लगभग है, ऑप्शन डी। राजस्थान की कुबड़ पट्टी हॉन्च ब्लैक बेल्ट कहाँ है? राजस्थान की कुबड़ पट्टी हॉन्च ब्लैक बेल्ट कहाँ है? तो ये जो है नागौर जिले में है, नागौर जिले में है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी हॉन्च ब्लैक बेल्ट नागौर में है। राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य से मिलती है? तो ये जो है पंजाब से सबसे कम सीमा मिलती है, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है। तो राजस्थान की सबसे कम सीमा किससे मिलती है? पंजाब के साथ मिलती है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये जो है 1,070 किलोमीटर की सीमा राजस्थान की पाकिस्तान के साथ टच होती है। ताल छापर और पड़ीहारा रन क्षेत्र स्थित है, कहाँ स्थित है ताल छापर और पड़ीहारा रन क्षेत्र? ये जो है शेखावटी क्षेत्र में स्थित है, शेखावटी क्षेत्र में स्थित है ताल छापर और पड़ीहारा रन क्षेत्र शेखावटी क्षेत्र में है। राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थली जिला माना है? राजस्थान के कितने जिलों को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थली जिला माना है? 12 ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनको कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने मरुस्थली जिला माना है। राजस्थान का वह जिला जहां 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी लंबवत 90 डिग्री के एंगल पर रहती हैं, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जहां पर 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी बिल्कुल सीधी रहती हैं? तो वो जिला है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिला जो है वहाँ पर 21 जून को सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के एंगल पर रहती हैं, बिल्कुल सीधी लंबवत रहती हैं। शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिम विक्षोभों से होने वाली वर्षा की राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? शीतकाल में भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को राजस्थान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इनको जो है मावठ के नाम से पुकारा जाता है, जो बारिश शीतकाल में होती है भूमध्य सागर से उठने वाली पश्चिमी विक्षोभों के कारण, उसको मावठ के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। मेसा पठार कहाँ स्थित है? मेसा पठार कहाँ स्थित है? तो मेसा पठार जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, मेसा पठार जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। आड़ावाल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? आड़ावाल पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो ये जो है बूंदी जिले में स्थित है आड़ावाल पर्वत। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में विस्तृत हैं?
मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ किन किन जिलों में विस्तृत है राजस्थान के? तो ये जो है कोटा और झालावाड़ जिले में विस्तृत है मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला क्या है? तो ये जो है भूगर्भाय जलपट्टी है, भूगर्भाय जलपट्टी है। लाठी सीरीज, लाठी श्रृंखला जो है भूगर्भाय जलपट्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 25 क्वेश्चन का एक सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।